एवरीवन, कैसे हैं सारे। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल भी रख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए फिर तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया एक प्लेट, थाली, परात, आप कुछ भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास बर्तन अवेलेबल हो। और आप अंदाजे से अपना जो है बेसन ले लीजिए। आपने कितना ज़्यादा बनाना है, स्टोर करना है, तो बहुत ज़्यादा ले लीजिए। मैंने ये थोड़ा सा लिया है कि मैं अभी इन लोगों को खाने के लिए भी दूंगी और थोड़ा सा स्टोर भी कर लेंगे। अब हम इसमें मिलाते हैं चावल का आटा, ठीक है जी। तो चावल का आटा जितना मैंने लिया है, इस मतलब बेसन जो लिया है उसके हिसाब से ही मैं इसमें चावल का आटा, ये मैंने इसमें 2 चम्मच से जो है ले लिया। आप इसमें थोड़ा सा और 3 स्पून, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलाएंगे, बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कुरकुरा हो जाएगा, उतना हमें नहीं चाहिए। अब हम इसमें मिला लेते हैं अजवाइन। अजवाइन को जो है हम थोड़ा इस तरह से हाथों से मसल लेंगे। इससे क्या होता है कि इसमें जो है बहुत अच्छी खुशबू आती है नमकीन की। मैं जो है अजवाइन की बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी, और ये भी कह सकते हैं कि आपको पता ही है कि ये गैस्ट्रिक के लिए है ना, ये सब के लिए ठीक रहता है कि अजवाइन खाने से पच जाता है, अच्छा रहता है मतलब सेहत के लिए, पेट के लिए। तो अजवाइन हम हर मतलब जो तली भुनी चूहे चीज़ें हैं उसमें यूज़ करें तो अच्छा है। चलिए तो अब बारी है नमक की, इसमें डाल लेते हैं हम नमक। नमक आपने जो है आप कितना खाते हैं कम ज़्यादा उस हिसाब से आप डाल सकते हैं, और आप चाहें तो इसमें मिर्ची भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसमें थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स लिया है, मैं वही डालूँगी, थोड़े ही डाले हैं मैंने इसमें। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल लेते हैं। चलिए तो पहले इसको अच्छे से हम ये जो हमने सामान डाला है इसको मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से इनको हम सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब हम इसमें जो है मैंने इसमें ऑयल भी मिला लिया है। अब इसको इस ऑयल को हम अपने जो हमारा ये बेसन है और चावल का आटा हमने डाला था इसमें मोयन जैसा इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आपने इसको पूरे बेसन में मिक्स कर लेना है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो देखिए हमने इसमें ये अच्छे से मिक्स हो गया है, ये देखिए ये जो है इस तरह से बन रहा है, तो मतलब हमारा तेल अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हमने इसमें जो है आप चाहे तो हल्का गुनगुना पानी ले सकते हैं। हम इसमें जो है अब इसमें पानी मिलाते हैं। चलिए पानी जो है आपने इसमें बिल्कुल धीरे धीरे से आराम आराम से मिलाना है, क्योंकि ये हमारा गीला नहीं होगा, ठीक है। बिल्कुल मतलब थोड़ा जैसे हम आटा गूंथते हैं रोटी के लिए उस तरह का हल्का, मतलब उस तरह का डो आप कह सकते हैं, लेकिन उससे हल्का सा हम गीला बनाएंगे, ठीक है, रोटी के जैसा बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं। तो लीजिए आटा हमारा जो है बेसन का आटा मतलब बिल्कुल रेडी हो चुका है नमकीन के लिए। इसको हम 5 से 10 मिनट का रेस्ट देते हैं अब, और उसके बाद तब तक हम जो है ऑयल गर्म कर लेते हैं। तो चलिए अब हम जो है अपने मोल्ड में मतलब नमकीन के मोल्ड में इसको बेसन को डाल देते हैं। जिस भी सांचे को आप जिस तरह का सांचा आपने जो है शेप देना है नमकीन का वो सांचा आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। चलिए तो अब इसको हम जो है बंद कर लेते हैं। तो ऑयल हमारा जो है बिल्कुल नमकीन के लिए परफेक्ट गर्म है जितना हमें चाहिए, और अब हमें इसको यहाँ पे जो है इस तरह से डालना शुरू करना है। तो ये देखिए इस तरह से जो है हमारा नमकीन कितने मज़े से कितने अच्छे से आ रहा है, और आपको जितनी भी शेप चाहिए उस हिसाब से आपने बनाना है। उसके बाद हम इस तरह से कट कर देंगे और छोड़ देंगे, और इसको आपने बिल्कुल आराम से पकने देना है लो टू मीडियम फ्लेम में। ये जब हो जाएगा तो अपने आप ही ऊपर आ जाता है, ये तो सब खैर आप लोगों को सबको ही पता होगा ये सब बातें। अब 1 से 2 मिनट तक ऐसे ही पकने देंगे, उसके बाद हम इसको पलट लेंगे छन्नी से, और बार बार आपने इसको नहीं छेड़ना है नहीं तो ये टूट जाएंगे। जब तक कि ये बिल्कुल अपना थोड़ा सा सख्त नहीं हो जाता, ठीक है जी, अपने फॉर्म में नहीं आ जाता, तब तक आपने इसको बार बार टच नहीं करना है, छेड़ना नहीं है। चलिए तो अब इसको जो है हम पलट के देख लेते हैं कि इसका कलर कैसा आया है। देखिए कितना अच्छा बन गया है, इसलिए टूटा भी नहीं। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, देखिए कितना अच्छा कलर आ रखा है, बिल्कुल जैसे शॉप्स में होती है। इसके लिए आपको दुकान में जाने की ज़रूरत नहीं है, और आपको पता है कि दुकान में हमें नहीं पता है जो शॉप्स में बनती है किस तरह के ऑयल में बन रहा है, किस तरह का बेस। चलिए तो अब इसको हम जो है निकाल लेते हैं और प्लेट में रख लेते हैं, और अब हम दूसरे शेप्स की नमकीन जो है बनाते हैं। चलिए ये तो अब मैंने जो है इसमें दूसरा मोल्ड लगा लिया है, मतलब कि इसका जो डिज़ाइन है आप ये देखिए दूसरा लगा लिया है, तो इस शेप की जो है अब हमारी नमकीन आएगी।
देखिए, ये थोड़ी सी जो है मोटी है, लेकिन इसका शेप बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा लगेगा। बस इतनी ही हम डालेंगे इसको, उसके बाद फिर से हम इस नाइफ से इसको इस तरह से कट कर देंगे और इसे पकने देंगे लो टू मीडियम फ्लेम में। ये थोड़ा सा ज़्यादा जो है मोटा है, थिक है, तो इसको हम थोड़ी देर तक पकाएंगे और इसका जो हम फ्लेम कह सकते हैं बिल्कुल ही हम लो फ्लेम में बनाएंगे इसको, मीडियम टू लो फ्लेम नहीं, बिल्कुल ही लो फ्लेम में इसको हम आराम से पकने देते हैं। अभी चलिए जी, तो नमकीन हमारी जो है रेडी हो चुकी है, तो इसको हम यहाँ से छान लेते हैं कढ़ाई से, मतलब बाहर निकाल लेते हैं। अब सेकंड ट्रिप इसका डालेंगे हम। तो अब हमने इसमें जो है सिंगल जो है शेप के लिए लगा लिया है, ये जो इसका मोल्ड है, इसके जो साँचा है सिंगल शेप वाला लगा है। तो चलिए अब इसको भी हम बना के देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत जो है ये निकल के आएगा, इसको मैं सिंगल सिंगल ही बनाऊंगी तो इसका, क्योंकि तभी इसका शेप का पता चलेगा जब मैं ये बन जाएगा तब आपको दिखाऊंगी। अब आप इसको चाहे आप नमकीन बनाने की वीडियो समझ लीजिए, नमकीन बनाने वाला वीडियो समझ लीजिए, चाहे आप इस मशीन का ऐड समझ लीजिए, पर ये ऐड बिल्कुल फ्री में है क्योंकि कोई स्पॉन्सर नहीं है, ये कोई स्पॉन्सर मुझे नहीं कर रहा है और ना ही मैं किसी को स्पॉन्सर कर रही हूँ। बस हम नमकीन बना रहे हैं और मशीन की भी ऐड हो रही है। तो चलिए इसको देखते हैं, इसकी शेप बहुत अच्छे दिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये जब मैं नमकीन बना रही थी मतलब, तो मुझे कुछ याद आया कि हम लोग जो है जब देहरादून में रहते थे, हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती थी, मराठी आंटी, तो उनके पास भी इस तरह की मशीन हुआ करती थी, पर उनका जो है काफ़ी पुराना टाइप का मशीन था, पुराना मतलब कि जो पहले का था पीतल का था, और बहुत ही खूबसूरत मशीन था, और उनके घर से हम लेके आया करते थे और वो बनाया करते थे। तब मैं स्कूल में ही पढ़ती थी, तो मतलब मैंने तब भी से वो नमकीन बनाना सीखा था उनसे, और आज भी मुझे याद था कि इसमें क्या क्या पड़ता है, क्या क्या डलता है। तब भी जब हम बनाते थे तो मतलब यही सब सामान डाला करते थे, तो मुझे याद था, तो उसी हिसाब से मैंने बनाया है आज भी। अब मैं आपको इसके शेप दिखाती हूँ कढ़ाई से निकाल के। चलिए तो ये हो चुके हैं और इसको भी हम जो है अब गैस से निकाल लेते हैं। और इसके शेप देखिए आप, कितने प्यारे लग रहे हैं, बिल्कुल बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ये हमारा आप इसको देसी कुरकुरे कह सकते हैं, ये ज़्यादा अच्छा है, हेल्थी भी है हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए ज़्यादा हेल्थी है ये। तो ये देखिए हमारे नमकीन जो है रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल अलग अलग शेप में, टेस्ट वही होगा लेकिन शेप अलग है। तो बच्चों को थोड़ा सा होता है ना कि इस तरह का खाने में इंटरेस्ट आता है, मज़ा आता है, तो बस वही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी नमकीन की रेसिपी पसंद आई होगी, आप लोग ज़रूर ज़रूर ट्राई करिए इसको, बहुत ही टेस्टी हेल्थी है, और आपके बच्चों को घर में सभी को, छोटे बड़ों को सबको ये जो है बहुत पसंद आएगा। तो आप लोग भी इसको बनाइए खाइए, और वीडियो को चैनल को एक लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टिल देन टाटा बाय बाय।